हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियोज़ बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर को समझा था, तो अगर ये चैप्टर अभी तक आपने नहीं रीड किया है तो एक बार रीड कर लें, और जो अगर नहीं समझ आता है तो आप उन वीडियोज़ पे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, तो रीड करने के बाद ही अगर क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देंगे, आप क्वेश्चन के रिप्लाई करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द डैश टर्मिनल। तो ये जो एक सर्किट है, यहाँ पे जो एक सर्किट है इसमें यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर की लाइंस दे रखी है, लॉन्ग वाली और एक शॉर्ट, फिर एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? जो लॉन्गर लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है किसी सेल में, तो लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ शॉर्टर वन टू द नेगेटिव टर्मिनल। और अगर दो सेल्स अटैच हैं तो एक पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी किसको कहते हैं? तो ये इसमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये बैटरी है जिसमें दो सेल्स अटैच हैं। तो बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल्स अटैच होते हैं उसको बैटरी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इन विच द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। और इसी तरीके से आगे जुड़ते चले जाते हैं, द पॉजिटिव वन टू द नेगेटिव वन ऑफ द नेक्स्ट सेल, इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी। ओके, इसको हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजिशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज, यहाँ पे ऑन पोजिशन में है मतलब ये क्लोज्ड है, बंद है, और अगर ये ऑफ पोजिशन में होगा तो कब होगा? जब ये यहाँ से हटा हुआ होगा, मतलब कनेक्टेड नहीं होगा, इसमें आगे जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो लेकिन इस जो डायग्राम में दिखाया है इसमें ये दिखाया है कि ये बल्ब भी ब्लो कर रहा है और यहाँ पे ये सर्किट भी यहाँ से अटैच है, इट मीन्स कि करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्किट। When the switch is on, on में क्या होता है? Closed circuit. और जब off position में होता है it is open circuit. Okay? Next है, in the bulb, thin wire used is called, जो bulb होता है जैसे हमने अपने घरों में देखे ऐसे bulb जो होते हैं उसमें यहाँ पर thin wire होता है लगा हुआ, उसको क्या कहते हैं? That is called filament. That is called filament. Okay? What is it called when wire gets hot? ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी भी तार में जब अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वो गर्म हो जाता है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज एन एलिमेंट? तो एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर्स कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। जैसे हमारे प्रेस होती है तो प्रेस भी हीटिंग इफेक्ट पे के ऊपर ही बेस्ड होती है, तो प्रेस के अंदर भी ऐसे करके एलिमेंट्स लगे होते हैं दो, वो क्या होते हैं? वो कॉइल होते हैं जिसमें वायर जो है किसी आयरन पीस के ऊपर लगा हुआ रहता है जो कि उस हीट करता है, जो कि जब गर्म होने के बाद में हीटिंग इफेक्ट छोड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर्स कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, जब प्रेस ख़राब हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? एलिमेंट इसका ख़राब हो गया है। तो जो जो गीज़र होते हैं, हीटर होते हैं, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा कोई वायर? एक तो उसके मटेरियल पे कि वो किस मटेरियल का बना है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है, और इसी इन्हीं चीज़ के इन्हीं तीनों फैक्टर्स के ऊपर ही अलग अलग एपरेटस बनाए जाते हैं। जैसे हेयर प्रेस के लिए थोड़ा कम हीट का बनेगा, और जो कपड़ों आयरन प्रेस होती है जिस पर कपड़ों में प्रेस करते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और अगर पानी गर्म करने वाला है उसमें और ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग हीटनेस हमें चाहिए होती है, हर एक में सेम हम हीट नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस, दीज आर द फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी एफ एल मीन्स, हमने बहुत सुना है सी एफ एल अपने घरों में कि हम सी एफ एल लगी है हमारे यहाँ, तो पहले तो
ऑर्डिनरी बल्ब्स आते थे, उसके बाद में ऐसे सी एफ एल, इस तरीके से डायग्राम गलत बना है लेकिन फिर भी सी एफ एल लैम्प्स जो है बीच में आने लगे थे, बहुत एनर्जी एफिशिएंट थे, मतलब कम एनर्जी लगाते थे और हीट की वजह से जो एनर्जी वेस्ट होती थी वो इसमें नहीं होती है और इनकी लाइफ भी काफ़ी थी। तो सी एफ एल का क्या था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। अब इसके बाद में एलईडी, अब सीएफएल के बाद में एलईडी अब ज़्यादा ट्रेंड में है। एलईडी में और भी कम एनर्जी लगती है और भी कम इसमें एनर्जी लगने के साथ लाइट इसमें ज़्यादा लगती है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, ख़राब भी ये जल्दी नहीं होती हैं। तो एलईडी की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए क्या है, दिस इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सी एफ एल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स एंड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। हम इसकी स्पेलिंग्स भी लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाई इट इज़ सजेस्टेड टू यूज़ ISI मार्क इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। हमें कहा जाता है ISI मार्क लगा है तभी हमें कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, तो ये क्यों ऐसा कहा जाता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइंस अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके वो ये टेस्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट जिनका है उन्होंने जो जो बताया है क्या वो सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, जो भी उन्होंने अपनी क्वालिटी बताई है कि ये इसकी क्वालिटी ऐसी है, ये इतने साल तक ख़राब नहीं होगा, इसमें हमने बहुत अच्छा, तो वो उसको टेस्ट करते हैं एक्चुअली कि क्या इसमें वही सब सामान यूज़ में किया गया है, कहीं लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो जब वो पूरा टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद वो उसको ISI का ऐसे करके बना होता है, ऐसे ISI मार्क का वो दे देते हैं, मतलब एक एश्योरेंस सिंबल दे देते हैं, उस पर ISI का मार्क लग जाता है, वो देखेंगे तो हमें उससे क्या पता लगता है, विच इज़ एन एश्योरेंस ऑफ स्पेसिफिकेशंस गिवन ऑन द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट पे लिखा है उसका एश्योरेंस है कि जो लिखा है दैट इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज CFLs कंटेन, CFL जो है बहुत टॉक्सिक होती है, अगर CFL हमारे घरों में है अगर वो टूट जाए तो हमें उसको बहुत सावधानी से बच्चों से बचा करके उसको बहुत ध्यान से उसको डिस्पोज करना चाहिए। उसका क्या, किस रीज़न से, बिकॉज इट कैरीज मर्करी वेपर इनसाइड इट, इट कैरीज मर्करी वेपर विच इज़ टॉक्सिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट इज MCB, ये घरों में जो पहले फ्यूज़ लगाए जाते थे, फ्यूज़ क्या था कि ये एक सेफ्टी सिस्टम था जिससे कि अगर कभी करंट ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए आगे, ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ख़राब ना हो जाए, उसको स्टॉप करने के लिए वो तार वायर जो फ्यूज़ में लगता था वो मेल्ट होके टूट जाता था। अब उसकी जगह जो है वो MCB ने ले ली है, अब फ्यूज से भी ज़्यादा सेफ्टी MCB में है। इसमें एक स्विच लगा होता है जो कि जब अगर कभी इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वो MCB डाउन अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है, अपने आप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से MCB बंद हो गया है। ठीक है, हम उसे वापस ऑन कर देते हैं, इसमें तार जोड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो MCB की फुल फॉर्म हमें अब पता होनी चाहिए, दैट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब जो हमारा सर्किट है उसको ब्रेक करने के लिए, जो अभी बताया था सेल और ये सब, तो जो हमारा सर्किट है उसको ब्रेक करने के लिए ताकि आगे करंट फ्लो ना हो, उसके लिए आजकल क्या यूज़ में आता है, MCB मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं। तो वायर इज़ रोल्ड अराउंड एन आयरन पीस, कोई इंसुलेटेड वायर यानी कि जिसके ऊपर वो प्लास्टिक वगैरह चढ़ा रहता है, उस तरीके के वायर को अगर हम किसी आयरन पीस के ऊपर रोल करते हैं तो वो एक कॉइल की तरह बन जाता है, और जब हम इसमें कोई करंट फ्लो करते हैं तो ये कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक बेल बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसका भी एक वीडियो था, आप अगर आप देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक बेल का आप अलग से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ऑन पासिंग द करंट फ्लो थ्रू द वायर, तार से जब करंट फ्लो होता है तो उसके पास अगर कंपास नीडल लाएं तो डिफ्लेक्शन शो करता है वो, इस बात को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, तो किसने नोटिस किया था, ये था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड।
हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड, इन्होंने सबसे पहले डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास सेंटर को बताया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं, ये किसी भी एग्जाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो अगेन आई विल से कि सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।